दिल्ली के अंदर शहरी और ग्रामीण एरिया में जितने गांव हैं उनके विकास के लिए दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड हुआ करता था उसको ग्राम विकास बोर्ड में तब्दील किया गया। पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड था उसे केवल ग्रामीण क्षेत्र में उन गांवों में विकास करने के एथराइजेशन था जो अर्बनाइज नहीं हुए थे, लेकिन अब जो ग्राम विकास बोर्ड है, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दिल्ली के सभी शहरीकृत गांव और जो शहरीकृत नहीं है, अर्बनाइज नहीं है, उन सभी गांवों में ये बोर्ड काम करता है। आज नए साल में इस बोर्ड की समीक्षा बैठक आज रखी गई थी, जिसमें गांव के विकास में अब तक क्या स्थिति है उसको लेकर के जो समीक्षा की गई। दिल्ली में अभी तक बोर्ड की इससे पूर्व जो बैठकें हुई हैं उसमें 194 गांवों में जो मैक्सिमम 45 विधानसभा के अंदर आती हैं, जिसमें मेजर्स गांव हैं, उन 45 विधानसभा क्षेत्रों में 194 गांव के अंदर लगभग 564 परियोजनाओं को बोर्ड ने मंजूरी दी थी, जिसकी लागत लगभग 769 करोड़ रुपए बोर्ड ने पास किए थे। आज की बैठक में लगभग 250 करोड़ के नए सड़क के, नालियों के विकास के प्रस्ताव बोर्ड के सामने माननीय सदस्यों ने सबमिट किए। पुराने जो जो बजट बोर्ड में पास हो चुके थे और आज जो बोर्ड के सामने प्रस्ताव आए हैं जिसे बोर्ड ने पास किया है, तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के अर्बनाइज और रूरल जो विलेज हैं उनके अंदर जो विकास कार्य है उसको बोर्ड ने अभी तक स्वीकृति दे दी है।